मैं इसमें भर देता हूं मोल्टेन, या मैं इसी को बोल सकता हूं फ्यूज्ड NaCl. ठीक, मोल्टेन मीन्स फ्यूज्ड, पिघला हुआ अगर है दैट इज कॉल्ड एज फ्यूज्ड. NaCl अगर पिघला हुआ है तो इन मोल्टेन स्टेट आयनिक कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री आयन्स. तो देर आर टू टाइप ऑफ आयन्स, Na प्लस एंड Cl माइनस, एंड द मूवमेंट ऑफ दीज आयन इज रैंडम, रैंडमली मूव थ्रू आउट द सॉल्यूशन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम इसको ऐसे रख के छोड़ दें तो आयन होंगे और वो रैंडमली मूव करते रहेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर. ठीक, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि यहां पर दो प्लेट रख दूं, तो मेटल प्लेट रखकर वी आर कनेक्टिंग इट विद बैटरी, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज प्लस माइनस. जैसे मैं यह प्लेट रखकर इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है माइनस टू प्लस, मीन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे आएंगे. जिस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे दिस प्लेट इज कॉल्ड एज कैथोड. ठीक, एंड द अपोजिट प्लेट इज कॉल्ड एज एनोड. व्हेन वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हाट विल हैपन, दैट Cl माइनस विल मूव टुवर्ड्स एनोड एंड कैटायन Na प्लस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. ठीक ना, यानी कि हमें कह सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एक्वस और फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आयन्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट प्लेट. यानी हमें यह पता लग गया कि जो मूवमेंट रैंडम था, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो मूवमेंट स्पेसिफिक हो गया, यानी केटाइन नेगेटिव प्लेट की तरफ और एनायन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करने लग गए. हमें बोल रहे हैं कि आयन जो है मूव करने लग गए हैं टुवर्ड्स अपोजिट प्लेट, और उसके बाद क्या होगा, एन गेट डिस्चार्ज देर, मतलब यहां पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी. और ये जो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस. और जिस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, दिस सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. दिस सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. यानी ऐसा होगा कि मेरे पास दो आयन थे, Na प्लस और Cl माइनस. ठीक, सबसे पहले मैं देखूं कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी. कैथोड मीन्स नेगेटिव प्लेट, इसका मतलब केटाइन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड प्लेट. और क्या होगा, Na प्लस विल एक्वायर वन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू सोडियम मेटल. तो ये मेथड हमारे पास हो गया कि हाउ टू ऑब्टेन सोडियम मेटल फ्रॉम NaCl. NaCl के मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने से हमें क्या मिलने लग जाएगा, सोडियम मेटल. दूसरी रिएक्शन होगी यहां पे कैथोड की, सॉरी एनोड पे. तो नेगेटिव आयन मूव करेगा एनोड की तरफ, Cl माइनस विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन. कैथोड पे रिएक्शन है रिडक्शन, ये अपन ने पहले भी देख लिया था. कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा. ठीक, ये रिएक्शन मुझे पता लग गई. और अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दूं तो मेरे पास नेट रिएक्शन आ जाएगी जो सेल में हो रही है, नेट रिडॉक्स. तो ये होगी Na प्लस
प्लस Cl माइनस से सोडियम मेटल प्लस हाफ Cl2 जो कि बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो ये बात समझ आ गई होगी सबको कि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आयन पड़े हुए हैं अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो प्लेट पे जाके आयन डिस्चार्ज होने लग जाएंगे, एक जगह रिडक्शन रिएक्शन होगी और एक जगह ऑक्सीडेशन। यानी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास एंड केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। डेनियल सेल जो कि गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल था उसमें क्या हो रहा था कि केमिकल रिएक्शन होगी और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लग जाएगी। तो इसका फंक्शन बिल्कुल अपोजिट है, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। चलिए नोट कीजिए सर, अगर हम फ्यूज NaBr लेते हैं, फ्यूज NaBr में केवल दो तरह के आयन होंगे, Na प्लस एंड Br माइनस। Na प्लस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव प्लेट है कैथोड, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लेकर इट विल डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम मेटल। Br माइनस विल मूव टुवर्ड्स एनोड, इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ Br2 वेपर इज फॉर्म्ड विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक, तो सोडियम मेटल लेने का ब्रोमीन गैस जनरेट करने का मेथड हो गया। थर्ड केस में ले रहा हूं, सपोज हम लेते हैं PbBr2, ये हम लेते हैं मोल्टेन पिघला हुआ, इसमें दो तरह के आयन होंगे, एक तो Pb प्लस टू एक Br माइनस। ठीक, Pb प्लस टू विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, दो इलेक्ट्रॉन लेकर कि किस फॉर्म में जमा हो जाएगा, लेड मेटल। Br माइनस विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड Br2 इज फॉर्म्ड विच इज रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं मोल्टेन को सॉल्ट लूंगा, मोल्टेन अगर मैं A प्लस B माइनस सॉल्ट लूंगा, ठीक है, तो यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, A प्लस भाग जाएगा कैथोड की तरफ और B माइनस भाग जाएगा एनोड की तरफ। ठीक, यहां पे एक सिंपल अपन रिएक्शन इमेजिन कर सकते हैं। ठीक, प्रॉब्लम हमें तब आएगी जब सॉल्यूशन में एक को सॉल्यूशन दिया जाए या फिर दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करके लिया जाए। अगर दो या दो से ज्यादा केटाइन हुए तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि पहले किसका रिडक्शन होने वाला है। ठीक, ऐसे ही अगर दो या दो से ज्यादा एनायन हुए तो फिर कंफ्यूजन होगा कि पहले किसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो इस केस में हम एक लाइन ध्यान रखेंगे, लाइन ये है कि इफ टू और मोर केटाइन्स आर प्रेजेंट अब एक्चुअली होता यह है कि केटाइन दो या दो से ज्यादा अगर पड़े हुए हैं तो उनमें आपस में कंपटीशन होगा, ठीक है, और वो एक साथ जाकर डिपॉजिट नहीं हो सकते, तो उसमें पहले कौन डिस्चार्ज होगा, केटायन हैविंग मोर वैल्यू ऑफ एसआरपी। ध्यान दें किस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, एसआरपी, ठीक है, विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। ठीक, एसआरपी ज्यादा क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो रिडक्शन ज्यादा होगा, तो जिस केटायन का एसआरपी ज्यादा है उसका रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है तो पहले वो रिड्यूस होने लग जाए। अब मान लो हमारे पास दो केटायन थे, ठीक है, एक केटायन पहले पहुंचा और डिस्चार्ज हो गया, अगर वो केटायन खत्म हो गया तो फिर बारी आ जाएगी दूसरे केटायन की। ठीक, तो ये चीज जो है प्रिफरेंशियल, किसका होगा रिडक्शन, जिसका एसआरपी ज्यादा है। सिमिलरली हम ये लाइन लें कि अगर दो या दो से ज्यादा एनायन हुए, सिमिलरली ये लाइन है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है,
if two or more anions are present, Padmavati release hone wali na. Two or more anions are present, then anion having more SOP. ठीक है, मतलब पढ़ाने भी एकदम जोश आ जाए और सर भी जाके जोहर में कूद पड़े एकदम. एनायन हैविंग मोर एसओपी. ठीक है, एनायन के केस में ऑक्सीडेशन होता है, एनायन के केस में ऑक्सीडेशन होगा तो जिस एनायन का एसओपी ज्यादा होगा इट विल बी डिस्चार्ज्ड एट एनोड. कहां जाने वाला है एनायन? एनोड पे फर्स्ट. तो आप ये याद रख सकते हो कि केटायन जो है कहां जाता है? कैथोड पर. सी से सी केटायन कैथोड. और एनायन जो है वो कहां जाता है? एनोड पे. ए से ए. ठीक है ना, तो कभी कंफ्यूजन हो तो केटायन कैथोड और एनायन एनोड. एनायन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यानी उसका ऑक्सीडेशन होगा, और केटायन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका रिडक्शन होगा. तो दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलेगी. अगर इधर रिडक्शन हो रहा होगा तो उतना ही इधर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा. ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ अगर मैंने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया है तो, क्योंकि वाटर भी होगा वहां और वाटर में भी आयंस होते हैं H+ OH- माइनस, तो उनको भी हमें जो है कंसिडर करना पड़ेगा. एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्वस NaBr सॉल्यूशन. देखिए, अगर एक्वस NaBr सॉल्यूशन हम लेते हैं तो वहां पे NaBr तो है ही और साथ में वाटर भी पड़ा हुआ है. ठीक, NaBr सॉल्ट है तो पानी में जाके इट कैन प्रोड्यूस Na+ एंड Br- माइनस आयन अलोंग विद वाटर. वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट एज ए सॉल्वेंट. ठीक, अब ऐसा होगा कि जब हम एनोड की तरफ देखें तो एनोड पे जो है वो चांसेस है ऑक्सीडेशन के. ठीक, तो ऑक्सीडेशन होगा Br- माइनस का और ये रिलीज करेगा हाफ Br2 प्लस इलेक्ट्रॉन. ये रिएक्शन की संभावना है. अगर हम इसका एसओपी देखें तो इसका एसओपी होता है -1.08 वोल्ट. ठीक, इसके साथ एक चीज के और चांसेस हैं वाटर के, कि वाटर भी ऑक्सीडाइज होने लग जाए. वाटर ऑक्सीडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन लूज करता है. रिएक्शन कैसे होगी कि वाटर से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो साथ में केटायन H+. अब मैं इसको बैलेंस करना चालू करूं कि यहां पर मैंने H2 किया है, सपोज यहां मैं कर देता हूं 2H2, तो यहां पे मुझे हाइड्रोजन क्या क्या करना पड़ेगा? 4. 2H2O है तो 4 हाइड्रोजन बैलेंस किया 4H+, और इसको बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन. अब एक चीज की और कमी है, O कहां जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ O2. ठीक, तो ये जो रिएक्शन है इसका एसओपी होता है -1.23 वोल्ट. ठीक, अब ऐसा होगा कि एनोड में इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा. कंपटीशन ये है कि इनमें से किसका ऑक्सीडेशन पहले हो. तो रूल ये है कि जिसका एसओपी ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा. अपन नेगेटिव साइन को साथ में लेके देखेंगे तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? ये वाली. इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी. रिएक्शन कौन सी होगी? Br- वाली. अब ये चीज हम किसके बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं? डेटा के बेसिस पे. तो आपको क्या करना है कि जो रिजल्ट आने वाले हैं उनको आपको मेमोराइज करना है. ये डेटा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है. ठीक ना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है. ठीक, दूसरा अपन लेते हैं कैथोड पे. कैथोड पे होगा रिडक्शन. अब चांसेस है कि Na+ इलेक्ट्रॉन लेकर ये चला जाए Na की फॉर्म में. और दूसरी रिएक्शन है यहां पे 2H2O से.
अब 2H2O से अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दूं इसे, तो दो इलेक्ट्रॉन लेकर ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर 2OH- आयन प्लस एक चीज और बैलेंस करने के लिए होगी हाइड्रोजन, ठीक। और इसमें इसका एसआर भी होता है -2.71 वोल्ट और इसका एसआरपी होता है इज इक्वल टू -0.83 वोल्ट। अब हमारे पास इन दोनों में कंपटीशन हुआ, ठीक है, तो जिसका एसआरपी ज्यादा हुआ केटायन का वो पहले रिड्यूस होगा। तो एसआरपी किसका ज्यादा है यहां पे, किसका, H2। तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और ये रिएक्शन नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि सोडियम जो आयन है Na+ वो सॉल्यूशन में ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। अब मैं यहां पे क्या करूं, दोनों रिएक्शन को मुझे जोड़ना है, ठीक, और ऐसे जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। कौन कौन सी रिएक्शन को जोड़ना है, Br- और 2H2 वाली, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। तो नेट रिएक्शन में क्या लिखूं यहां पे, 2H2O प्लस 2Br- से क्या बन जाएगा, Br2 वेपर जो कि रिलीज हो जाएगी, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 2OH- और साथ में प्लस H2 गैस। अब एक ट्रिक याद करने का यह है कि वाटर को जो है अपन तोड़े H+ और OH- में, H+ केटाइन भागेगा कैथोड पर तो कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन, और OH- भागेगा एनोड पे कौन सी गैस रिलीज करेगा, O2। तो ये मैं क्यों लिखा रहा हूं कि जैसे एनोड पे क्या हो रहा है, कौन सी गैस निकल रही है, O2, एनोड पे O2, और कैथोड पर यहां से कौन सी गैस निकल रही है, H2। तो आप इस तरीके से इमेजिन करके दिमाग में बना सकते हैं कि वाटर जो है अगर एनोड पे पहुंचा तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, अगर कैथोड पे पहुंचा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, और ये बैलेंसिंग है उसका, ठीक। ये तो होगी नेट सेल रिएक्शन, ठीक। नेट सेल रिएक्शन में अगर मैं करंट पास करता जाऊं इसमें, तो उससे क्या होता जाएगा, 2Br- की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, यानी Br- आयनों की संख्या में कमी आएगी, Br2 इवोल्व होगा, OH- आयन प्रोड्यूस होंगे, OH- आयन अगर प्रोड्यूस होंगे तो सॉल्यूशन बेसिक होता जाएगा, यानी उसकी pH बढ़ती जाएगी, pOH कम होती जाएगी, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज होती जाएगी। हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज होगी, कौन सी जगह, कैथोड। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं ऑप्शन, ये मल्टीपल की फॉर्म में डाला जा सकता है। क्वेश्चन क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaBr सॉल्यूशन इज डन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड व्हाट विल हैपन, ठीक। तो क्या क्या चीजें होगी वो मैं बोल चुका हूं, Br- कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, OH- कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, प्रोडक्ट साइड में है, हाइड्रोजन गैस कहां पर, कैथोड। तो ये अपन कंक्लूजन लिख लेते हैं, ये आपको याद करने, समझिए बात हो, क्योंकि एग्जाम में अपने पास ये डेटा नहीं है कि अपन इसके बेसिस पे डिसाइड कर पाए। प्लस Br- से या Br2 प्लस OH- प्लस हाइड्रोजन, यानी कंक्लूजन ये है कि सबसे पहला तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br- डिक्रीजेस, सेकेंड है Br2 इवोल्व्ड, कौन सी प्लेट पे हो रहा है, एट एनोड, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। मान लो ऑप्शन में ये लिख देता है Br2 इवोल्व एट कैथोड तो गलत हो गया, क्योंकि Br- आयन कहां पहुंचा है, एनोड पर, ठीक। तीसरा क्या हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन इंक्रीजेस, इससे क्या होगा, POH डिक्रीजेस, और POH डिक्रीज करेगा तो pH का वैल्यू बढ़ता जाएगा, सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक, ठीक, और बेसिक होगा तो pH उस सॉल्यूशन की मोर देन 7 हो जाए। यानी अगर मैं एक सॉल्ट NaBr घोलकर पानी में उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा लूं एक घंटे तक, तो बाद में जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें OH- आयन की संख्या बहुत ज्यादा होगी
और उसकी वजह से सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा पीएच मोर देन 7। चौथा ऑप्शन यह है कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व एट कैथोड, तो ये रिजल्ट आपको याद करना। ट्रिक हम इसकी ऐसे बना सकते हैं कि Na प्लस और Br माइनस यहां से बना H प्लस और OH माइनस वाटर के ले लू मैं, तो Br माइनस रिवोल्व हो जाएगा Br2, H प्लस रिवोल्व हो जाएगा हाइड्रोजन और बचेगा अपने पास सॉल्यूशन में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट क्या होगा, तो बाई प्रोडक्ट इसमें होगा NaOH कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा बनाने का ये मेथड NaBr से आ गया हमारे पास, क्योंकि देखो सॉल्यूशन में Na प्लस ऐसा कैसा बचा हुआ है और सॉल्यूशन में क्या चीज बनती जा रही है, OH माइनस। Na प्लस और OH माइनस पड़ा हुआ है तो मिलकर वो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं एक तरह से NaOH। तो NaBr एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो उससे बाई प्रोडक्ट जो है किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये भी ऑप्शन दे सकता है कि NaOH इज फॉर्म्ड। तो ये रिजल्ट जितने मैं यहां लिख रहा हूं ये सारे आपको याद करने हैं, समझिए बात हो। चलिए इसके बाद हम ले रहे हैं पांच ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब ध्यान दीजिएगा कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो लिखा है इसका भी एक रोल है, रोल यह है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज इनर्ट इलेक्ट्रोड और अगर मैंने इसे इनर्ट इलेक्ट्रोड बोल दिया है तो इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, यानी प्लेटिनम का यहां पे और कोई रोल नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रॉन लाने ले जाने के अलावा। ठीक है, अब रिएक्शन क्या क्या होगी वो हम सोचेंगे। हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन लिया इसमें कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है अलोंग विद वाटर, मींस कॉपर प्लस टू इज प्रेजेंट विद SO4 माइनस टू आयन और साथ में कंपोनेंट और है वाटर। ठीक, अब हम सबसे पहले देखें कि एनोड पे क्या क्या रिएक्शन हो सकती है। एनोड पे संभावना यह है कि SO4 माइनस टू का ऑक्सीडेशन हो जाए। ठीक है, लेकिन SO4 माइनस टू का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि सल्फर इज ऑलरेडी इन प्लस सिक्स स्टेट, इट्स इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसे आगे बढ़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं है उसके। तो सल्फेट आयन ऐसे जैसे पड़ा रहेगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं संभव है। तो जब इसका नहीं हो रहा है तो फिर वाटर को प्रिफरेंस मिलेगी और वाटर का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, आप कैसे याद करोगे, वाटर से H प्लस और साथ में इलेक्ट्रॉन, बैलेंसिंग बाद में कर लेंगे और साथ में ये O2 गैस यहां से ले जाओगे। अब चूंकि ये तो हो ही नहीं रहा तो संभावना सिर्फ किसकी बनी हमारे पास, इस वाली की। तो एनोड पे ये चीज होगी, यानी एनोड पर H प्लस आयन जनरेट होते जाएंगे और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती जाएगी। ये दो चीज अपन को यहीं से पता लगी जो कि याद करनी है अपन को। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, तो कैथोड पे हमारे पास आयन पड़ा हुआ है कॉपर प्लस टू, तो कॉपर प्लस टू विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, इलेक्ट्रॉन लेकर ही कॉपर की फॉर्म में जमा हो जाएगा। इसके लिए मैं बात करूंगा SRP की, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, इट इज प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक, इसके साथ एक और संभावना है कि वाटर जो है वो रिड्यूस होने लग जाए, तो वाटर में दो इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़े दो मॉलिक्यूल में, इससे बना 2H। अब हमारे पास संभावना दोनों रिएक्शंस की है, ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सी होगी जिसका SRP हायर होगा। एनोड पे देखते समय SOP वैल्यू देखेंगे और कैथोड पे SRP वैल्यू देखेंगे, इस हिसाब से ये वैल्यू हायर है तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं। रिएक्शन मुझे दोनों पता लग गई है, अब मैं इस रिएक्शन को जोड़ दूं इस रिएक्शन में, और कैसे जोड़ना है, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसिल आउट। जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए, कि 2H2O
ठीक है, प्लस प्लस टू सी यू प्लस टू गिव्स फोर एच प्लस प्लस ओ टू प्लस टू सी ये मेटल सॉलिड। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रोलाइसिस में कराता जाऊं तो क्या क्या चीज होगी। सबसे पहला पॉइंट, कॉपर प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आती जाएगी। सेकेंड पॉइंट, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और बढ़ेगी। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन मीन्स pH इज डिक्रीज्ड और pH अगर कम होता गया साथ से तो सॉल्यूशन ये फाइनली हो जाएगा एसिडिक और pH इसकी हो जाएगी लेस देन 7। उसके अलावा क्या होगा, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस कहां रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड एट एनोड। और एक और चीज होगी कि फोर्थ, कॉपर मेटल यहां पर को मिलने लग गया कैथोड पे। इसका मतलब कॉपर इज डिपोजिटेड ऑन कैथोड, ऑन कैथोड। अब यहां से आपको ये चीज पता लग गई कि जैसा मैं पहले बता रहा था कि वाटर के कंपैरिजन में अगर अपन देखें तो मैंने चार मेटल लिखा है तुम्हारा लास्ट क्लास में कि अगर उनका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाए, जैसे सोडियम का Na प्लस का एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने, सोडियम मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन क्योंकि सोडियम का SRP वाटर की तुलना में कम है। लेकिन अगर मैं यहां कॉपर का देखूं तो SRP हायर है वाटर से, तो कॉपर डिपोजिट होने लग जाएगा। यानी मैं एक्वस कॉपर सल्फेट लूंगा और उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो हमें कैथोड प्लेट पर कॉपर मेटल मिलने लग जाएगा। समझिए बात को, तो एक्वस कॉपर सल्फेट से कॉपर मेटल ले सकते हैं लेकिन एक्वस NaCl से सोडियम मेटल नहीं ले सकते, ठीक ना। और जेई मेन का क्वेश्चन था वो कि किस मेटल को अपन मेटलर्जी में इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑब्टेन नहीं कर सकते फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, तो वहां मेटल था मैग्नीशियम। आंसर मैग्नीशियम था क्योंकि Mg+2 एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और उनका वाटर से SRP कम होता है। डेटा वाइज अपन उस चीज को बोलते हैं, वो मैंने वैसे लिखा दिया पॉइंट आओ, ठीक है। तो इससे अपन कॉपर मेटल ले सकते हैं और कहां पर ले सकते हैं, तो ये चारों पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक। नोट कीजिए सर। अच्छा, इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ट्रिक, कि अपने पास कॉपर प्लस टू SO4-2 है H प्लस OH माइनस में, कॉपर चला जाएगा यहां कॉपर की फॉर्म में OH माइनस से O2 और सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा H2SO4। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा इसके बनने से, एसिडिक। वही चीज वहां है, ये याद करने के लिए इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, ठीक। इसके बाद अपन ले रहे हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। आप प्लेटिनम की जगह हम कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो कॉपर इज कॉल्ड एज एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड हम इसलिए बोलते हैं इसे बिकॉज इट कैन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। तो अब मेरे पास क्या क्या कंपोनेंट है, कॉपर प्लस टू, SO4-2, साथ में कॉपर और वाटर का सॉल्यूशन, एक और सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एनोड पर। एनोड पे क्या होगा, एक रिएक्शन तो हमने बोला कि SO4-2 का ऑक्सीडेशन तो संभव नहीं। वाटर के केस में वाटर का यहां पे ऑक्सीडेशन होगा तो 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 गैस रिलीज हो सकती है और इसका SOP होता है -1.23 वोल्ट, ठीक। एक चीज की और चांसेस हैं कि कॉपर कन्वर्ट इनटू कॉपर +2 +2 इलेक्ट्रॉन, इसका SOP होता है इज इक्वल टू -0.34 वोल्ट। अब हम डिसाइड करें इनमें कि इनमें से कौन सी रिएक्शन के होने के चांसेस हैं जिसका SOP ज्यादा होगा,
किसका एसओपी ज्यादा है? माइनस साइन को साथ में लेके देखना है अपन को, तो कॉपर का ज्यादा है तो रिएक्शन ये होने लग जाएगी। ठीक, दूसरी रिएक्शन हम लें कैथोड पे, कैथोड पे तो वही फिनोमिना है जो उधर किया अपन ने, कि कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन से कॉपर एसआरपी इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट प्लस 0.34 वोल्ट, और दूसरी रिएक्शन 2H2O प्लस टू इलेक्ट्रॉन से 2OH माइनस प्लस H2 और एसआरपी इज इक्वल टू माइनस 0.83 वोल्ट। इसमें होने के चांसेस दोनों में किसके हैं? ऊपर वाले के, एसआरपी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पता लग गया कि रिएक्शन कौन कौन सी हो रही है, ये दोनों दोनों को जोड़ देंगे हम तो नेट रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, बराबर रिएक्शन हो रही है, इसको मैंने जोड़ दिया कि कॉपर प्लस टू से या कॉपर प्लस टू प्लस कॉपर, यानी अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि कॉपर प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि एक खत्म होगा तो एक ही जनरेट होगा। ठीक, अब यहां कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ रहा होगा, रिएक्शन तो एक ही दिखाई दे रही है। ठीक, ऐसा ना करें कि काट दें सबको, है ना, कि दोनों तरफ साइड बराबर है इसे काट दिया हमने। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, ये चीज मेटलर्जी का पार्ट है। और प्योरिफिकेशन हम कैसे करवाते हैं यहां पर, कि एक कंपार्टमेंट में हमने यहां पे एक प्लेट रखी जो है इम्प्योर कॉपर की। ठीक, और हमने यहां एक प्लेट रख दी, एक पतली सी प्लेट रखी हमने प्योर कॉपर की, बैटरी हमने कनेक्ट की इस तरीके से प्लस माइनस, माइनस इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये बन जाएगा कैथोड और ये बन जाएगा एनोड। ठीक, और हम प्योरीफाई करवाने के लिए इन दोनों रोड्स को डिप कर देते हैं सॉल्यूशन में है, जो कि है एक्वस कॉपर सल्फेट। अब क्या होगा कि कॉपर से ये एटम, यहां से कॉपर के एटम इस सॉल्यूशन में आएंगे कॉपर प्लस टू की फॉर्म, ये एनोड की रिएक्शन, कॉपर से कॉपर प्लस टू, ये कॉपर प्लस टू भाग के यहां जाके जमा होगा, तो टाइम के साथ क्या होगा कि मास ऑफ इम्प्योर कॉपर रोड, इम्प्योर कॉपर रोड डिक्रीज करता जाएगा, और टाइम के साथ ये होगा कि मास ऑफ प्योर कॉपर रोड इंक्रीजेस। तो ये प्लेट पतली होती जाएगी, ये प्लेट मोटी होती जाएगी, और इससे जो प्योरिटी मिलेगी अपन को वो लगभग 99% प्योर कॉपर हमें मिल जाएगा, और जो इसमें इम्प्योरिटी होगी वो यहां इकट्ठी हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं एनोड मड। ठीक ना, इसमें मेटल होते हैं सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक, तो ये मेथड हमने यूज कर लिया किसके लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, यानी रिएक्शन सेम ही हो रही है, इसमें जो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन होगी कॉपर प्लस टू वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी। ठीक ना, तो कॉपर प्लस टू की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करेगी, सिर्फ मेटल का ट्रांसफर यहां से होते हुए यहां हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये? ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेता तो अलग चीज होती। ठीक है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेता तो अलग चीज होती, कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहा हूं तो अलग चीज है। तो रिजल्ट हमको ध्यान रखना है इसकी कि क्या क्या होगा। अच्छा, जितना मास कॉपर का यहां खत्म होगा, मान लो यहां एक्स ग्राम कॉपर खत्म होता है तो एक्स ग्राम ही यहां जाके जमा होगा, तो इसका लॉस जो है इसके गेन के बराबर है, लेकिन वो लॉस कॉपर का है केवल। अगर मैं बोलूं कि यहां एक्स ग्राम डिपॉजिट हुआ है तो यहां जरूरी नहीं है कि एक्स ग्राम लॉस हुआ हो, क्योंकि इम्प्योरिटीज भी है, लेकिन ये कह सकता हूं कि एक्स ग्राम कॉपर यहां से लूज हुआ है और एक्स ग्राम कॉपर यहां पर जमा हो जाएगा।